हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और मैं यहाँ कपड़े धो के डाल दी हूँ सुबह सुबह, और यहाँ सिद्धू सो रही हैं, तो मैं फटाफट से अपना खाना आना बना लूँ, और झाड़ू वाड़ू भी सब लग चुकी है। और आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल सुबह से, और नाश्ता हो गया था सबका, यहाँ बर्तन वर्तन भी सब धुल गए थे, यहाँ चावल पक रहा है, अब बना लूँगी मैं कढ़ी चावल। और सुबह नाश्ता हो गया था सबका, बनाई थी नमक वाली पूड़ी बनाई थी, कोई चाय में खा लिया, कोई सॉस में खा लिया, तो जल्दी खाना भी बना रही हूँ, आज कढ़ी चावल बना रही हूँ। तैयारी हो गई है कढ़ी की, तो यहाँ बेसन घोल लूँगी नमक डाल के, इससे पकोड़े निकाल लूँगी भजिया। कढ़ाई में बनाई थी मैं पूड़ी सुबह सुबह, और इसी में बना लूँगी अब कढ़ी। अब बना रही हूँ यहाँ भजिया, इसको पकोड़े भी बोलते हैं, कई लोग भजिया बोलते हैं, तो मैं कुछ ही बोल देती हूँ, भजिया पकोड़े। तो ये निकाल लूँगी, इसको पलटा दूँगी, और ऐसी और निकाल लूँगी, तो अच्छी खरी खरी हो जाए, जब लाल लाल सी जब निकाल लूँगी इसको पकने के बाद। अब दोबारा से डाल दे रही हूँ इसमें भजिया, तो इसको भी ऐसे ही पका लूँगी। और आज मेरे मौसी मौसिया जी की एनिवर्सरी पार्टी है, तो हम लोग जाएंगे। ये है मही, ज़्यादा खट्टा है तो ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो इसको भी बेसन में ही घोल ली मैं। और यहाँ पकोड़े बन रहे हैं भजिया, इसको भी ऐसी खरे खरे करके, रेड रेड सॉरी लाल लाल टाइप हो जाए, इनको भी ऐसे पका लूँगी चला चला के। ये बन गई हैं, और तेल गरम था, इसमें डाल दी मेथी, राई, लहसुन, लहसुन और लाल मिर्च। और इस और अब मैं इसी में तेल में ही डाल दूँगी, हल्दी डाल दी थी, और अब इसको फटाक से चला लूँगी, नहीं तो जम जाएगा नीचे। और जिसमें घोली थी उसी में डाल दी हूँ पानी, उसको धुल के भी डाल दी हूँ, दो गिलास पानी भी डाल दी हूँ इसमें, इसको चला लूँगी अच्छे से, और नमक डाल के अच्छा पका लूँगी इसको 15-20 मिनट, अच्छा पतला कर दूँगी पहले तो पानी डाल के, और अच्छे से पका लूँगी 20 मिनट करीब, फिर जी आधा हो जाएगा। तो यहाँ कढ़ी पक रही है, देखो अब कितनी बची है ना, अच्छे से पक चुकी है कढ़ी। अब डाल दूँगी इसमें पकोड़े, और नमक तो इसमें पहले ही डाला था पकोड़ों में, और इसको चला दूँगी, और ढाक के रख दी पक। ख़त्म, सब काम कर ली हूँ मैं, और आज जाएंगे हम, हमारे मौसी मौसिया जी की है एनिवर्सरी, तो आज मौसिया जी हमको भी इनवाइट किए हैं, तो हम लोग जाएंगे आज सदर चौपाटी, तो आप लोग आगे ब्लॉग देखिएगा। तो फ्रेंड, हम लोग तैयार होने के बाद आ गए हैं सदर चौपाटी, और बुक्के हम लोग ने ले लिए थे, तो सदर चौपाटी पहुंच गए हम लोग, और अब गाड़ी को साइड में लगा देंगे। और मौसी मौसिया जी पहले ही आ गए थे, वो खड़ी है उनकी कार, ये है उनकी कार, स्विफ्ट जे वाली खड़ी है उनकी कार, और अब हम लोग जाएंगे। मौसिया जी फ़ोन कर रहे थे कहाँ हो कहाँ हो, तो हम लोग पहुंच गए हैं, और सिद्धू मेरे पास है, अभी हम लोग जाएंगे अंदर। अभी अंशु सो गया था, तो अंशु को उठा रहे हैं अंशु के पापा, तब हम लोग जाएंगे। मौसिया जी बाहर आ गए थे, तो अभी जाएंगे हम लोग। ये सिद्धू को नींदी आ रही है, पहुंच गए हैं फ्रेंड यहाँ पे, थोड़ी देर बैठे, फिर केक कटिंग शुरू हो गई, मैं बुक के पकड़ी हूँ, मौसी मौसिया जी का।
वो मौसी खिला रही थी मेरी छोटी वाली, तो वो रोने लगी है। अब मैं उसको ले लूँगी। और आप सब लोग खाएंगे केक। और यहाँ सिद्धू को आ रही जमाई, बहुत नींदी आ रही है। और सब लोग केक खाने के बाद फिर खाएंगे यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह, आइसक्रीम वगैरह। और यहाँ सब गप्पे कर रहे हैं, तो सब बैठ के गप्पे कर रहे हैं। तो यहाँ आवाज़ वो करती हूँ, मैं आवाज़ को म्यूट करती हूँ। और सिद्धू हल्ला में परेशान हो रही थी, उसको मैं ले ली हूँ सिद्धू को। और यहाँ पे मौसी अजीब बुक्के पकड़ा रहे हैं, मौसी को हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं। सब ऐसी हंसी मजाक करते रहे। और सब लोग खा पी रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या क्या खा रहे हैं। और फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक थी एनिवर्सरी वाली। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो